नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो आप दोस्तों उससे अब आयुष्मान कार्ड बना पाओगे। बिल्कुल दोस्तों आपने सही सुना है, अगर आपका आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नाम नहीं है और आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाह रहे हो तो अब आपका ई श्रम कार्ड से जो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। मैं आपको सारा कुछ प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, जो भी मैंने दोस्तों विभाग से बातचीत की है उसके बाद मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं। उसके बाद कैसे आपको कार्ड बनाना है या फिर बनवाना है वो भी हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों जानकारी तब आपके समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों नई वीडियोस मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों जो मैंने यहाँ पे जो लाइव बातचीत की है मतलब विभाग से, पहले वो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। जो भी दोस्तों वहाँ पर मैडम ने बताया जो मैंने बात की है उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको बता देंगे। मैम मुझे ई श्रम कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनवाना है। ठीक है, आपने बताया हुआ है कि आपको ई श्रम कार्ड से आयुष्मान। जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। निश्चिंत रहिए, पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ डिटेल्स मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी। ओके मैम बताइए। आपका नाम जान सकती हूँ? मैम नाम है संजय। और आप किस स्टेट से बात कर रहे हैं? स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी ई श्रम कार्ड से अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है तो डायरेक्ट तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप ई श्रम कार्ड को वेरीफाई करवा लेते हैं लखनऊ से स्टेट वेलफेयर बोर्ड, तो ये कार्ड पीयूसी रुपये कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कार्ड पीयूसी रुपये कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आपको वो पीयूसीडब्ल्यू कार्ड एंड आधार कार्ड लेके किसी भी पीएमजीवाई हॉस्पिटल में जा सकती है या जन सुविधा सेंटर में जा सकती है, वहाँ से आपका कार्ड बन जाएगा। जी जी और ई श्रम कार्ड से भी बन जाएगा, लेकिन वहाँ से चेकअप कराना पड़ेगा। जी पहले आपको इसको वेरीफाई करवा के पीओसीडब्ल्यू कार्ड में कन्वर्ट करवाना होगा। जब ये पीओसीडब्ल्यू कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वो आयुष्मान कार्ड बनवा पाओगे। ई श्रम कार्ड से मैम। जी तो यही जानकारी ले रही थी, थैंक यू। दोस्तों आपने कार्ड रिकॉर्डिंग को सुन लिया होगा, दोस्तों मैम ने क्या बताया आपने समझ गए होंगे, नहीं तो यहाँ पर मैं बता देते हैं। मैम ने दोस्तों ये बताया, मैंने बात की है कि अगर आप ई श्रम कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाना चाह रहे हो तो आपका ई श्रम कार्ड से जो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा इजीली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशन है हर स्टेट की, जैसे अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको ई श्रम कार्ड को जो भी है डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, जैसे आप डायरेक्टली जाके बना लो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों नखलाऊ। जैसे आप लेबर कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नखलाऊ जाना पड़ता है वेरीफाई कराने के लिए, इसी प्रकार से आपको नकलों जाना पड़ेगा ई श्रम कार्ड लेके आधार कार्ड लेके, और वहाँ पर आपको दोस्तों जो भी ऑफिस होता है ऑफिस में जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर जाओगे और कार्ड को जो भी है वेरीफाई कराना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो गए तो आपका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, यानी ई श्रम कार्ड से आपका जो भी है वो बीओसीडब्ल्यू कार्ड जनरेट हो जाएगा, यानी बीओसीडब्ल्यू में जनरेट हो जाएगा, आपने दोस्तों सुनाया होगा। उसके बाद आपका बीओसीडब्ल्यू नंबर मिल जाएगा और बाद में इजीली आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। ई श्रम कार्ड से अपने आसपास के जो भी सिटी सेंटर से बना सकते हो या फिर आप सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बना सकते हो या तो खुद से भी बना सकते हो। उसके बाद कैसे बनाना है वो चलिए यहाँ पे मैं अभी लाइव आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप का किसी गूगल को खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा esetpmgy.gov.in, इतना आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो भी एक नेक्स्ट पेज दोस्तों इस प्रकार खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको दोस्तों पहले अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा जो यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऑर्डर पर क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको वीडियो सुना चुका हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है अगर बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डू योर केवाईसी इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेज इस प्रकार आएगा, यहाँ पर आपको सेल्फ यूजर पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे है अपना जो भी है मोबाइल यानी ओटीपी आएगा, इसी मोबाइल नंबर ओटीपी को देना पड़ेगा और साइन इन के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी पहले स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी प्रकार से जैसे आप लेबर कार्ड से बनाते हो वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्कीम पर क्लिक करना है, यहाँ पर इसी वाले दो भी दोस्तों जो भी दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी ई श्रम नंबर का ऑप्शन नहीं है, इसी से बनेगा जो भी दोस्तों मैम ने बताया है। इस पर क्लिक करोगे और जो आपका ई श्रम कार्ड है जो बीओसीडब्ल्यू कार्ड में जनरेट हो जाएगा, बीओसीडब्ल्यू आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपको पहले
सिलेक्ट करना पड़ेगा जो यहाँ पर आपको दोस्तों BOCW नंबर जो मिलेगा वहाँ से जब नकलों से कार्ड वेरीफाई कराओगे तब एलिजिबल होगे। उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नीचे नेम आ जाएगा। नेम आने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डिटेल मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का, इस व्यू के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप कार्ड इजीली ही बना पाओगे। देखिए जो भी यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी, यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी है जो इंटर योर डिटेल्स पड़ेगी, KYC डिटेल करनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा, यहाँ से कार्ड बन जाएगा जब आप वेरीफाई करा लोगे दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करके बना सकते हो दोस्तों। तो आप सीख गए होंगे दोस्तों ई श्रम कार्ड से जो भी आयुष्मान कार्ड तो बनना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ जो दोस्तों जो है आपको नखलाऊ जाना पड़ेगा वेरीफाई कराने के लिए। उसके बाद जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तब आपका कार्ड बन जाएगा, लेकिन दोस्तों डायरेक्टली नहीं बनेगा। आगे जो भी दोस्तों अपडेट से रिलेटेड आता है तो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ जाऊंगा दोस्तों। जो मैंने आपको दोस्तों जो जानकारी मतलब जो भी मैंने विभाग से बात की है वो मैंने आपको लाइव भी बता दिया, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। काफ़ी लोग यह ना कह पाएंगे आपने गलत जानकारी दी है, और यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बात की वो मैंने आपको लाइव बताया और लाइव जानकारी चेक करके बता दिया किस प्रकार से बना पाओगे। दिक्कतें प्रॉब्लम आए तो आप कॉमेंट करना, तो मिलेंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए थैंक।